आज धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कई प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। इसके साथ ही हमें भविष्य और आने वाली पीढ़ी की चिंताएं भी सता रही हैं। लेकिन हम आज आपके लिए जो खबर लेकर आए हैं, आपको खुश कर सकती है, आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। जी हाँ, उम्मीद तो यही की जा रही है कि नया साल नई उम्मीदों की इबारत लिखेगा। कार्बन उत्सर्जन की कमी को लेकर दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि अपने तय समय से पहले ही भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। भारत लगातार पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में काम कर रहा है। माना जा रहा है कि नए साल में इस काम में और तेजी आएगी। प्रदूषण की वजह से देश के अधिकतर हिस्सों की हवा खराब होती जा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का आयोजन कर केंद्र सरकार का लक्ष्य 2024 तक PM 2.5 और PM 10 को 20 से 30% कम करने का है। बताया जा रहा है कि इसे 102 शहरों में चलाया जाएगा। सरकार पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये लक्ष्य अब दूर नहीं है। जलवायु परिवर्तन को लेकर केंद्र और राज्य की योजनाओं को 2008 में स्वीकृति मिली थी। इन योजनाओं में राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन को सफलताएं मिल रही हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार ने गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। सरकार ने समस्या को गंभीरता से लिया। इसमें नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी शामिल किया गया और उन्हें अस्थायी आजीविका प्राप्त करने में मदद की और प्रभाव को पहले महसूस किया। वहीं राष्ट्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल मंत्रालय संभालते ही 125 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। माना जा रहा है कि उनका यह संकल्प इस साल और तेजी से आगे बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए भारत न सिर्फ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, बल्कि वो इसे पाने की दिशा में करीब 15% तेज है। ये बताता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण को लेकर कितना गंभीर है। विकास और लाभ के लालच के चलते भी कहीं न कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। सरकार इसके लिए भी समुचित व्यवस्था करने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि पर्यावरण को संतुलित करने में सरकार का ही प्रयास काफी नहीं है, बल्कि इसमें आम लोगों, हमें और आपको भी भाग लेना होगा। पर्यावरण को न ही नुकसान पहुंचाना है और न ही पहुंचाने देना है। अगर आपके पास पर्यावरण से जुड़ी कोई खबर है तो हमें व्हाट्सएप करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।